हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम थोड़ा भी घर से बाहर में शूट कर रहा हूँ। मैंने आज घर से शुरू नहीं किया इसलिए क्योंकि डेली मैं घर से ही शुरू करता हूँ, तो आज मैंने सोचा थोड़ा बाहर से शुरू करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपनी इको की सर्विस करवाने। तो इसको शायद 1 ईयर से ऊपर हो गया, इसकी सर्विस नहीं करवाई हमने। इसकी हमने जो कंपनी से 3 सर्विस होती हैं बस वही करवाई हैं, उसके बाद अभी तक इसकी कोई सर्विस नहीं करवाई। तो इसको अब कितना 2.5 साल हो रहा है गाड़ी को। तो अब इसको जाएंगे हम सर्विस करवाएंगे आज। हम शोरूम में नहीं करवाएंगे इसकी सर्विस, हम बाहर से करवाएंगे। तो आप देख सकते हो गाड़ी को, ये रही कुछ अपनी गाड़ी। तो यहाँ पे बारिश का मौसम था, कल भी बारिश थी बहुत ज़्यादा। बर्फ़ तो नहीं पड़ी यहाँ पे, मगर आप देख सकते हो सामने वो पहाड़ों पे, आप देख सकते हो कि बर्फ़ पड़ी है, मगर यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी। तो इसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है, तो इसको थोड़ा पहले सर्विस करवाते हैं, फिर इसकी वॉशिंग करवाएंगे। तो जो भी होगा आपको दिखाते हैं वीडियो में, हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप लोग पूरा नहीं देखते हो। तो चलो सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो फाइनली गाइस, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पे हमने गाड़ी की सर्विस करवानी थी। तो वो पीछे आप देख सकते हो अपनी गाड़ी लगी हुई है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो वहाँ पे अपनी गाड़ी लगी हुई है। तो हम आए हैं फरेदिया मोटर्स पे। तो अभी यहाँ पे अंदर एक गाड़ी की सर्विस हो रही है, तो बस वो निकलेगी 10-15 मिनट में, तो फिर अपनी गाड़ी अंदर लग जाएगी सर्विस के लिए। तो चलो वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस, इस गाड़ी का काम हो रहा था तो अब ये निकल रही है, उसके बाद अपनी गाड़ी यहाँ पे लग जाएगी, फिर आपको दिखाते हैं जब डालेंगे अंदर। तो फाइनली गाइस, वो गाड़ी वहाँ से निकल चुकी है, तो अब हमारी गाड़ी जा रही है सर्विस के लिए। तो आप देख सकते हो ये भाई गाड़ी लगा रहे हैं, फिर रैंप पे, रैंप पे फिर गाड़ी चढ़ाएंगे। तो ये गाड़ी लग चुकी है रैंप पे। अब वो जो हैं जिससे वो गाड़ी उठाएंगे वो डाल रहे हैं गाड़ी के नीचे, उसके बाद ये मोटर की मदद से गाड़ी उठ जाएगी यहाँ से। फिर आपको नीचे से भी आज गाड़ी का व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस, अपनी गाड़ी जो है वो लिफ्ट पे चढ़ चुकी है। तो ये भाई अभी हमारे गाड़ी के टायर खोल रहे हैं, क्योंकि इसके ब्रेकें भी चेक होंगी कि इसमें ब्रेक शो अभी बचे हैं या नहीं। तो लिफ्ट पे चढ़ा दिए गाड़ी, अब देख सकते हो नीचे से गंदी है बड़ी। ये इसका गियर बॉक्स है यहाँ पे। तो ये भाई ने टायर खोल दिए, वो था टायर भी खोल दिया। आप देख सकते हो बिना टायर के गाड़ी कैसी दिखती है। तो भाई इसको अभी खोल रहे हैं, देखो खोल दिया। तो अब इसके अंदर ये चेक करेंगे कि ये लेदर ठीक है या नहीं है। तो अगर ठीक होंगे तो बस इसको साफ करेंगे, तो वापस बंद कर देंगे, ठीक है। तो भाई बोल रहे हैं ठीक है, मगर इनकी घिसाई होगी ना अभी, थोड़ी सी साफ होंगे। तो अब ये इस साइड वाला खोल रहे हैं। ये डस्ट बहुत है इसके अंदर, है ना, बस ये साफ कर देंगे। ऐसे ब्रेक तो ठीक है, मगर यहाँ पे डस्ट बहुत जमा हो चुकी है, तो ये अभी साफ करेंगे। देख सकते हो आप, सामने वो आप देख सकते हो डोडा, और ऊपर से बादल, क्या ही व्यू है। सामने आप देख सकते हो वहां पे बर्फ भी दिख रही होगी आपको, मैं और जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हो उधर ऊपर भी देख सकते हो आप बर्फ। तो चलो दिखाते हैं।
अभी इनको घिस रहे हैं, तो अभी ये दूसरी तरफ से इनको घिस रहे हैं। देख सकते हो आप, तो भाई इनको हवा मार रहे हैं। देख सकते हो कितनी डस्ट है इनमें। तो फ्रेंड्स ये रही अपनी कुछ स्टेपनी, ये जब से गाड़ी ली है तब से मैंने स्टेपनी खुलवाई नहीं है, ये कंपनी वाली स्टेपनी अभी तक साथ है, क्योंकि आज तक स्टेपनी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब भाई इसको बंद कर रहे हैं, तो फिर अब अगले वाले खोलेंगे, उसमें डिस्क पैड चेक करेंगे कि उसमें वो ठीक है या उनको भी चेंज कराने की जरूरत है। इन ये तो बोल रहे हैं बिल्कुल फ्रेश पड़े हुए हैं, अभी ये चल जाएंगे अभी। क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा स्टिंग कर रहे हो। फाइनली गाइस जो हमारे डिस्क पैड थे वो भी खुल चुके हैं, तो ये देखो आपको दिखाता हूँ, दिखाओ कितने, ये देखो 80% है ना अभी की, ज्यादा 80% से, 80% से भी ज्यादा अभी बचे हुए, 90% है। तो बस इसको ये साफ करेंगे ऊपर से थोड़ा सा, यही लग जाएंगे बस। उस साइड वाले का भी तो यही हाल होगा, तो बस ये करते हैं, उसके बाद जो होगा वो आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस जो ब्रेक का काम था वो सारा हो गया, सब ब्रेक के चारों टायरों की चेक कर ली, तो सब ओके है। तो अब इंजन ऑयल इसका निकालेंगे, जो पुराना वाला इसमें डाला हुआ है, तो वो भी दिखाते हैं आपको कैसे निकालेंगे। तो फिर जब नया डालेंगे वो भी दिखाते हैं। तो गियर ऑयल भी इसका चेंज होगा, तो जो इधर पीछे इसको हिस्सा बोलते हैं, अगर इसमें देखेंगे कि अगर इसमें होगी तेल चेंज करने की जरूरत, तो इसमें भी तेल चेंज कर लेंगे। बाकी ऑयल फिल्टर चेंज होगा और एक एयर फिल्टर चेंज होगा, बाकी गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई आवाज कर रही है इससे। तो फ्रेंड्स अपनी लेबर जो है यहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि ज्यादा काम था नहीं, तो लेबर रेस्ट कर रही है चेयर पे बैठ के। तो अभी वो गए हैं सामान लाने, बाल्टी जिसमें वो इंजन ऑयल ये पुराना वाला निकालेंगे, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हम कौन सा इंजन ऑयल डाल रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये नट खोल रहे हैं जहां से इंजन ऑयल जो है वो निकलेगा, ये देख सकते हो आप, इसके अंदर जो है हमारा इंजन ऑयल होता है। तो ये नट खुल रहा है, तो देख सकते हो आप बिल्कुल काला हो चुका है ना, खराब है, है अभी काला हो चुका है बिल्कुल। छह हजार से ऊपर ही है, साल हो गया, सीधी बात ना, मैं साल साल के बाद कराता हूँ, चाहे चले ना चले। ये काला है ना, अब तो ये बोल रहे हैं भाई कि अगर इसमें ये काला वाला इंजन ऑयल इसमें मतलब हम ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो ये अंदर जो पार्ट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है, तो हम तो इसको करवा रहे हैं चेंज। तो ये देखो ये अभी निकल रहा है, अभी भी कितने लीटर लगता है इसमें, 4.5 लीटर लगता है। तो निकलने देते हैं इसको, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा डालेंगे अब हम। तो फाइनली गाइस जो इंजन ऑयल था वो निकलना बस बंद हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब ये क्या खोल रहे हो, गियर ऑयल, तो ये गियर ऑयल की देख रहे हैं कंडीशन कैसी है, ढीला है, तभी यहाँ पे लीकेज है। ये कितने नट होते हैं इसको, एक होता है ये होता है निकालने वाला, ये होता डालने वाला। अच्छा ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये नट जो था ढीला पड़ा हुआ है,
ये भी मत ढीला ही लग रहा है मुझे, चूड़ियां इसकी जोर से बाहर ही है कि क्या? तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ढीला है ये, कंपनी वालों का नतीजा है ना, तो तभी मैं कंपनी में नहीं गया इस बार, मैंने कहा बाहर से ही करवाते हैं सर्विस। शुक्र है कि खुला नहीं, क्या पता इसमें से इंजन ऑयल लीक हुआ है, क्या हुआ है, गियर ऑयल क्या है। तो ठीक है, चलने वाला है। कितने का आता है इसका गियर ऑयल? तो फाइनली गाइज हमने अपनी अपना गियर ऑयल भी चेंज करवाया और जो पीछे हिस्से का ऑयल होता है वो भी चेंज कराया है, तो ये बोल रहे हैं कि वो अभी ठीक है, नेक्स्ट सर्विस पे करवाना चेंज, अभी तो बिल्कुल ठीक है, साफ है। तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है, तो बस अभी इंजन ऑयल ही चेंज करेंगे सिर्फ, बाकी और जो फिल्टर वगैरह, इसका फिल्टर भी तो करना है ना चेंज? हाँ, तो बस फिल्टर करेंगे चेंज बस। तो अब हम इसका ये एयर फिल्टर, ये एयर फिल्टर नहीं सॉरी ऑयल फिल्टर खोल रहे हैं, तो ये भी चेंज होगा। यहाँ पे होता है इसका एयर फिल्टर, आप देख सकते हो, ऑयल फिल्टर सॉरी। बहुत टाइट है, खुल जाएगा, खुल जाएगा। तो भाई खोल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, कतई टाइट है ये तो। हो गया लूज, इसमें से भी इंजन ऑयल निकल रहा है, इसमें से थोड़ा सा ही निकला है ना, इसमें थोड़ा ही निकलता है। हाँ, तो ये तो हमने इसमें डाल दिया, अब नया लाएंगे इसका एयर फिल्टर, तो आपको जब नया लाएंगे तब दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स ये आ गया हमारा नया एयर फिल्टर, तो फाइनली गाइस ये आ गया हमारा नया ऑयल फिल्टर, तो अब इसको हम लगाएंगे। तो ये लो लगा लो, तो बस फिर इसमें इंजन ऑयल डालना है और एयर फिल्टर डालना है। यहाँ पे फिट हो चुका है अच्छे से, तो अब गाड़ी को नीचे कर देंगे डाउन, पहले ये टायर लगा देंगे इसको। तो फाइनली गाइस जो हमारा ऊपर वाला काम था वो सारा हो चुका है, तो अब गाड़ी को नीचे उतार रहे हैं, तो अब इसमें यहाँ से इंजन ऑयल डालेंगे और जो इसके स्पार्क प्लग होते हैं उनको चेक करेंगे कि उनकी क्या कंडीशन है, अगर खराब होंगे तो चेंज कर देंगे, अगर ठीक होंगे तो साफ कर देंगे। तो फाइनली गाइस जो अपनी इको की सीटें थी वो ऊपर कर दिए हैं भाई ने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इको का जो इंजन है वो सीट के नीचे होता है, आप सबको पता ही है जो जो मेरी वीडियोस देखते हो। तो अभी भाई वो बैटरी खोल रहे हैं, क्योंकि जो इसके स्पार्क प्लग हैं वो इसके नीचे ही होते हैं, इसकी बैटरी के नीचे, तो अभी वो खोलेंगे तो उनकी कंडीशन देखेंगे क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने जो उसका एयर फिल्टर है वो निकाल दिया, तो अभी वो नया ही डलेगा, उसकी कंडीशन जो थी वो खराब हो चुकी थी, तो अभी उनको वो खोलने देते हैं, जब वो खोल देंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि जो इसके स्पार्क प्लग हैं वो खुल चुके हैं, तो ये चार होते हैं, तो इनकी जो कंडीशन है आप देख ही सकते हो कि बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश है। ये फोकस नहीं हो रहा है, हाँ देख सकते हो आप, बस इसको थोड़ा घिसाई करेंगे इसको भी, तो ये वापस से लग जाएंगे, ये ले लो। तो बस फिर एयर फिल्टर लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। फाइनली गाइस ये रहा अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर और वो रहा इसका इंजन ऑयल, ये 3.5 लीटर का है और लीटर एक और है छोटा इसी कंपनी का, तो बस ये डाल रहे हैं इंजन ऑयल भी और ये फिल्टर भी लगाते हैं, तो बस फिर
और इसकी जो ये है फ्रंट ग्रिल, ये हमने एक लाइट वेल लगाई है, मगर यहाँ पे नीचे जो है वो ग्रिल थी वो टूट गई थी, तभी हमने वो भी मंगवाई है, उसको भी पेंट करेंगे, तो उसको भी यहाँ पे अभी लगवा देंगे। बार बार कौन आएगा काम करवाने, छोटे छोटा ये छोटा छोटा काम होता है, ये रह ही जाता है फिर लास्ट में। तो ये देखो अभी डाल रहे हैं इंजन ऑयल, देख सकते हो आप। तो बस फिर ये इसके बाद एयर फिल्टर को भी लगा देंगे, हाँ फिर आपको दिखाते हैं फाइनल। तो फाइनली गाइस जो हमारी गाड़ी का सर्विस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो बस अब इसकी अलाइनमेंट रह गई है। तो अभी यहाँ से इसको निकालेंगे, तो सामने आप देख रहे हो वहाँ पे कंप्यूटर लगा है, वहाँ पे अलाइनमेंट होगी इसकी, तो बस जब निकालते हैं तो फिर दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस अपनी गाड़ी जो थी यहाँ से बाहर निकल गई है, अभी इसको व्हील कप नहीं लगाएं क्योंकि अभी इसकी अलाइनमेंट होनी है। तो चलो जब अलाइनमेंट होती है तो पहले इसको अंदर डालते हैं। तो देख सकते हो आप अपनी गाड़ी की लुक, बिना व्हील कप के भी मस्त लग रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डम्पर है, इसमें बजरी ले रहे हैं, और ये रही कुछ रोड की हालत, बिल्कुल थर्ड क्लास। तो ये जा रही है अपनी गाड़ी अंदर अलाइनमेंट के लिए। तो फाइनली गाइज अपनी गाड़ी में जो थी अलाइनमेंट वो शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हो आप, ये जो लगता है टायरों को जिससे गाड़ी की अलाइनमेंट पता लगती है, तो ये लगा दिया है, तो वो कंप्यूटर में आप देख रहे हैं क्या ठीक है। तो स्टीयरिंग को भी कुछ लगाते हैं राड जैसे, ताकि स्टीयरिंग सीधा रहे, स्टीयरिंग लॉक लगा रहे हैं। तो वहां पे आप देख सकते हो वो चारों जो बॉक्स हैं वो पैरेट होने चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए एक भी, अगर रेड है तो इसका मतलब थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट है। तो फाइनली गाइज हम सर्विस करवा के निकल चुके हैं घर की तरफ, तो काफी ज्यादा लेट हो गए थे, हमें 3-4 घंटे लग गए यहाँ पे सर्विस करवाते हुए। तो अब चलते हैं घर की तरफ और आपको घर जाके मिलते हैं। सो फाइनली गाइज हम घर पहुंच चुके हैं, तो गाड़ी जो वॉश नहीं करवाई हमने, क्योंकि ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी कीचड़ है, और रास्ते में बहुत गंदा था, तो धुलवाने का कोई फायदा नहीं था। तो ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर, कमेंट करना वीडियो में, चैनल को शेयर करो मेरे, जल्दी से जल्दी 500 करवा दो, उसके बाद फिर 600, 700, वैसे 1000 करवा दो, जल्दी कर दो थोड़ा। तो ठीक है,